लोग शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी बुक और हिस्ट्री चैप्टर का है, क्लास सिक्स का है और चैप्टर नंबर टू। ये सारे के सारे क्वेश्चन पार्ट बाई पार्ट किया गया है, ये सोशल साइंस से निकाला गया है जो सामाजिक विज्ञान होता है। अभी हम लोग हिस्ट्री का अलग अलग पार्ट बाई पार्ट करके देख रहे हैं। अब आज का पहला, इससे पहले हम लोग थ्योरी देखा है, अब हम लोग इस पर एमसीक्यू देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वेयर द ट्रेन यूज फर्स्ट, सबसे पहले ट्रेन कहाँ इस्तेमाल हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, कब इस्तेमाल हुआ था, 200 ईयर्स से वो। ऑप्शन नंबर बी, 250 ईयर्स से वो। ऑप्शन नंबर सी, 150 ईयर्स से वो। ऑप्शन नंबर डी, 300 ईयर्स वो, आपका 150 साल पहले ट्रेन इस्तेमाल हुआ था। देखते हैं आंसर, ये आपका आंसर 150 पहले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, व्हाई डिड हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, शिकारी एक साथ झुंड के झुंड एक दूसरे से दूसरी जगह क्यों घूमते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इन सर्च ऑफ फीड। ऑप्शन नंबर बी, इन सर्च ऑफ शेल्टर, भोजन के तलाश में, घर के तलाश में। और ऑप्शन नंबर सी, बोथ, ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका दोनों घर और भोजन के तलाश में आपका घूमते हैं शिकारी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ये आपका आंसर सी हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, वेयर इज वाटर फाउंड, पानी कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, इन लेक में। ऑप्शन नंबर बी, इन स्ट्रीम में। ऑप्शन नंबर सी, इन रिवर में। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, पानी तीनों जगह पाया जाता है, लेक, स्ट्रीम और रिवर में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, हाउ डिड द एंशिएंट पीपल ट्रेवल, प्राचीन काल के लोग कैसे यात्रा करते थे। ऑप्शन नंबर ए, बाय बस। ऑप्शन नंबर बी, बाय ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी, बाय शिप। ऑप्शन नंबर डी, ऑन फुट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पहले के लोग आपको पैदल यात्रा करते थे, चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, हु हैड फाउंड अ थिंग विच वेयर मेड एंड यूज बाय द हंटर, कौन सा वस्तु पाया गया है जो हंटर के द्वारा इस्तेमाल बनाया गया और इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर बी, आर्कोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर सी, साइकोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ डी। जे फाइव का आपका बी होगा, आर्कोलॉजिस्ट होगा, इसलिए आंसर फाइव का बी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, इन द एंशियंट टाइम टूल्स वेयर मेड अप ऑफ विच मटेरियल, पुराने समय में टूल किस पदार्थ से बना होता था। ऑप्शन नंबर बी, स्टोन से। ऑप्शन नंबर ए, स्टोन से। ऑप्शन नंबर बी, वुड से। ऑप्शन नंबर सी, बोन से। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बोन, स्टोन और वुड से बना होता था, इसलिए सिक्स का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, फॉर व्हाट पर्पस वेयर द स्टोन टूल्स यूज, किस के लिए इस्तेमाल होता था पत्थर का आपका। ऑप्शन नंबर हथियार। ऑप्शन नंबर ए, टू कट मीट एंड बोन्स। ऑप्शन नंबर बी, टू चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। ऑप्शन नंबर सी, टू मेक स्पियर्स एंड एरो। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि सब कुछ काटने के लिए, बोन और मीट काटने के लिए और तीर भी बनाने के लिए, इसीलिए ऑल ऑफ दीज आंसर आपका हो जाएगा, सेवन का डी आंसर हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, प्लेसेस वेयर द पीपुल मेड टूल आर नॉन एज, वहाँ मतलब जहाँ पर अपना हथियार बनाते थे उस प्लेस को क्या जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए, फैक्ट्री जाना जाता था, फैक्ट्री साइट। ऑप्शन नंबर बी, रेसिडेंट साइट। ऑप्शन नंबर सी, हैबिटेंट साइट। ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दी, आपका फैक्ट्री साइट जाना जाता था,
इसलिए डी का आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बाई विच टेक्निक वेयर द स्टोन्स टूल मेड, किस टेक्निक के द्वारा स्टोन का औजार बनाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए स्टोन ऑन द स्टोन टेक्निक, ऑप्शन नंबर बी प्रेशर फ्लैकिंग, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नॉन डी, दोनों टेक्निक का इस्तेमाल करके आपका बनाया जाए जाता है स्टोन एज स्टोन टेक्निक प्रेशर फ्लैकिंग, इसलिए ऑप्शन 9 का सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट डिड इंडिकेट द फाइंडिंग ऑफ हर एस, आग को पाने के लिए मतलब फाइंडिंग राख पाने के क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर ए वाटर, ऑप्शन नंबर बी आइस, ऑप्शन नंबर सी फायर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी, इसलिए 10th का आपका सी हो जाएगा फायर, इसलिए 10th का आपका आंसर सी होगा। 11 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर व्हाट पर्पस डिड द मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन कलेक्ट देयर ग्रेन, किस पर्पस के लिए मेन वुमेन और चिल्ड्रेन अपने अनाज को कलेक्ट करते हैं, फॉर फूड भोजन के लिए, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स उपजाने के लिए क्रॉप्स को, बोथ ए एंड बी एंड डी नॉन ऑफ डी जे, तो 11 का आपका सी होगा बोथ ए एंड बी भोजन और जाने के लिए, इसलिए 11 का सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन विच स्टेट वेयर द एग्स ऑफ एस्ट्रिच फाउंड, किस स्टेट में अंडा पाया गया। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी नोएडा, ऑप्शन नंबर ए आपका महाराष्ट्र में अंडा पाया गया शुतुरमुर्ग का, इसीलिए आपका 12 का ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन विच साइट वेयर लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी फॉर्म, कौन सा स्थान पे सबसे ज़्यादा टूल का एक्टिविटी पाया गया है। इन विच साइट, ऑप्शन नंबर ए हैबिटेशन साइट, फैक्ट्री साइट, सी हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, डी नॉन ऑफ डी, तो 13 का आपका सी होगा हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, इसीलिए आपका 13 का सी। आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, वेन वाज मेसोलिथिक पीरियड, कब मेसोलिथिक पीरियड था। ऑप्शन नंबर स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 6000 से 7000 ईयर से 7000 टू 8000 ईयर से गो, सी 8000 से 9000 ईयर से गो, ऑप्शन नंबर डी 12000 से 10000 ईयर से गो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका 12000 से 10000 साल पहले आपका मेसोलिथिक एज शुरू हुआ था, इसलिए आपका आंसर डी राइट आंसर है। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल को ये नाम टू लर्न है, और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे जैसे मैं वीडियो डालूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।